योगी सरकार ने एक अच्छी पहल की है। जो घर से निकल रहे हैं उनको होगी सर आप लोगों को? निश्चित रूप से, हमने कहा कि हम सब लोगों का दायित्व तो बनता है और आप सब लोगों का भी बड़ी भूमिका होगी। विधानसभा की कार्रवाई भी अब जो हमने कल न्यूज में हमने देखा है, कार्य मंत्रणा समिति बैठेगी फिर आगे की, तो हमें लगता है कि अच्छे ही लोग विचार करेंगे। जो हालात है राज्य की या देश की दुनिया की, तो उसको ध्यान में रख करके ही सब चीज पर विचार। राज्य सरकार की तैयारी में नहीं है, कल लोग आए थे बाहर से और बिना जांच कराए ही उनको घर जाने दिया गया, ना कोई व्यवस्था है उचित नहीं, ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हमें लगता है कि आप सबको याद होगा पिछले सोमवार को हमने इस विधायक को उठाया था जब मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल था, और उस दिन मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद जांच प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन अभी तक रिम्स में भी जांच शुरू नहीं हुआ। एक सप्ताह से अधिक मैंने पूरा 8 दिन हो गया, आज सोमवार हो गया, आज भी हमने रिम्स में पता किया है कि वहाँ पर लेब अभी नहीं लगा है। अभी भी यहाँ से ब्लड सैंपल को लोग जमशेदपुर ही भेज रहे हैं, जबकि उस दिन बातें हुई थी कि भाई सभी प्रमंडल में, और आज तो हम कहेंगे कि मशीन की कोई कीमत बहुत अधिक नहीं है, तो कम से कम प्रत्येक जिला में लेब बिठा देनी चाहिए और डॉक्टरों को भी ट्रेंड कर देनी चाहिए, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, कोई दिल्ली काम करते हैं, कोई कलकत्ता में, कोई कहीं भी राज्य के भिन्न देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में, दुनिया के बाहर भी, देश से बाहर भी लोग काम करते हैं, तो किस किस रास्ते से आएंगे किसी को पता नहीं, और गाँव में भी दहशत है लोगों के अंदर, तो जगह जगह अगर लेब होता तो वहीं पर जांच कराया जाता और फिर वहीं आइसोलेशन वार्ड। आज तो ढेर सारे जब स्कूल कॉलेज बंद है तो स्कूल कॉलेज को भी सरकार आइसोलेशन वार्ड घोषित कर सकती है, बना सकती है, अलग हॉस्पिटल से अलग, सामान्य मरीजों से भी अलग, तो ये बहुत छोटी काम है, उसमें कोई बहुत अधिक पैसे की जरूरत नहीं है। जितना हमने उस मशीन के बारे में पता किया जो कीमत बहुत कम है, तो MLA भी चाहे तो उस फंड से भी हो सकता है, सरकार ने भी 200 करोड़ रुपया को उसमें प्रावधान किया, तो इसको युद्ध स्तर पर वार फोटिंग पर इसका काम करनी चाहिए सरकार।